हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोडम्बोसॉर्ट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी के प्रीवियस क्वेश्चन, जो नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मॉर्फोलॉजी से हर बार 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एकदम गारंटी पूछना ही पूछना है और इससे कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। द रूट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम बेस ऑफ द स्टेम आर कोल्ड फाइब्रस रूट, प्रॉप रूट, प्राइमरी रूट, लेटरल रूट। तो फ्रेंड, इसका लाइन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको हम लोग बोलेंगे फाइब्रस रूट। ठीक है, बहुत सारा प्राइमरी रूट जो आगे चल के रिप्लेस हो जाता है किसे, फाइब्रस रूट से, और इसका एग्जांपल हो जाएगा वीट प्लांट। सेकंड क्वेश्चन है, स्वीट पटेटो इज मॉडिफाइड, मतलब स्वीट पटेटो का मॉडिफिकेशन क्या चीज़ में होता है। तो स्वीट पटेटो एक मॉडिफाइड इनटू एडवेंशियस रूट, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और ये क्या चीज़, एडवेंशियस रूट क्या चीज़ में मदद करता है, स्टोरेज ऑफ फूड में। ठीक है, तो ये 2018 में आया था। फिर थर्ड क्वेश्चन है, रूट प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन, मतलब कौन सा रूट है जिसका एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में ज़्यादा रोल रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पिस्टिया। ठीक है, जो 2015 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेमेटोफोर आर फाउंड इन, तो नेमेटोफोर का मतलब है कि ये डेवलप इन मैनग्रोव प्लांट। मैनग्रोव प्लांट मतलब प्लांट ग्रो इन स्लाइन मार्सेस, मतलब स्लाइन वाटर में। तो हम लोग देखेंगे इसमें फर्स्ट चॉइस, वेजिटेशन विच फाउंड इन मार्सी एंड स्लाइन लेक, तो ये ऑप्शन तो सही लग रहा है। वेजिटेटिव फाउंड इन एसिडिक, तो ये नहीं होगा। जेरोफाइटिक, एपिफाइटिक, ये नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, राइजोफोरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लांट विच वेयर क्लिंगिंग रूट, ठीक है, क्लिंगिंग रूट इसका मतलब हो गया, ये क्लिंगिंग रूट मतलब ये कहाँ से निकलता है, अराइज फ्रॉम नोड ऑफ द स्टेम, नोड ऑफ द स्टेम से ये निकलता है, उसको हम लोग क्लिंगिंग रूट बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल ये कौन सा पेड़ में पाया जाता है, ऑर्किड में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑर्किड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलामेन, वेलामेन इज फाउंड इन, तो ये वेलामेन कहाँ पाया जाता है, तो वेलामेन पाया जाता है एरियल रूट ऑफ ऑर्किड में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एरियल रूट ऑफ ऑर्किड, तो आंसर डी। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेम से। ठीक है, बोगेनवेलिया द थोर्न आर मॉडिफिकेशन ऑफ, ये साफ साफ एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, तो ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मॉडिफिकेशन, स्टेम मॉडिफिकेशन मतलब कहने का है कि स्टेम मॉडिफिकेशन कौन नहीं है। तो पहले तो हम लोग नॉट, एक्सेप्ट, ये सब कुछ रहा, तो पहले आप अंडरलाइन कर लीजिए, टेंड्रिल ऑफ कुकुम्बर। ठीक है, तो ये तो स्टेम का मॉडिफिकेशन है, फ्लैटन स्ट्रक्चर ऑफ ओपोंसिया, तो ये भी हो जाएगा स्टेम का मॉडिफिकेशन। पीचर ऑफ नेफेंथिस, पीचर ऑफ नेफेंथिस ये लीफ का मॉडिफिकेशन है। तो और नेक्स्ट है थॉर्न ऑफ सिट्रस, तो ये भी स्टेम मॉडिफिकेशन है, तो इसका आंसर हो जाएगा पीचर ऑफ नेफेंथिस, ये लीफ मॉडिफिकेशन है। ठीक है, पीचर का क्या काम रहता है, कैचिंग एंड डाइजेस्टिंग इंसेक्ट, मतलब इंसेक्ट को पकड़ता है और डाइजेस्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेम मॉडिफाइड इनटू दैट ग्रीन ऑर्गन परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ लीफ, मतलब जो स्टेम जो मॉडिफाई हो जाता है ग्रीन ऑर्गन जो फंक्शन लीफ का करता है, तो उसका आंसर हो जाएगा, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फाइलोक्लेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जांपल ऑफ एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम, कैरोट और स्वीट पटेटो जो है वो रूट मॉडिफिकेशन है, और एडिबल पार्ट ऑफ ग्राउंड नट जो दिया हुआ है इसका हो जाएगा सीड, हो जाएगा ग्राउंड नट का एडिबल पार्ट। ठीक है, और पटेटो जो है
पोटैटो इज एन एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी पोटैटो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वीट पोटैटो इज होमोलोगस टू, तो स्वीट पोटैटो होमोलोगस किसका है, टर्निप का, ठीक है, क्योंकि दोनों का ओरिजिन सेम है, दोनों रूट ही हैं लेकिन दोनों का फंक्शन अलग अलग है, ठीक है। तो स्वीट पोटैटो का फंक्शन हो जाएगा स्टोरेज एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और टर्निप का ओनली स्टोरेज, तो इसका आंसर हो जाएगा डी टर्निप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन जेरोफाइटिक प्लांट इन विच द स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू फ्लैट ग्रीन एंड सकुलेंट स्ट्रक्चर। जेरोफाइटिक प्लांट कहने का मतलब है ड्राई हैबिटेट, जो अभी हम लोग इससे पहले क्वेश्चन देखे थे फाइलोक्लेड में हम लोग देखे थे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओपोंसिया। ओपोंसिया ये क्या चीज़ में मदद करता है, फोटोसिंथेसिस में, ठीक है, और फंक्शन ऑफ लीफ का काम करता है, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल हो जाएगा एस्पार्गस, ठीक है, हाइड्रीला कैसोरीना एकासिया, ये नहीं हो, एकासिया तो डेजर्ट प्लांट है, ऑस्ट्रेलियन एकासिया, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओपोंसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द आई ऑफ पोटैटो, ये तो एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ है, एनसीईआरटी से आई ऑफ पोटैटो किसको बोलते हैं, तो ऑक्सिलरी बर्ड को बोलते हैं, ठीक है, विच ग्रो इन न्यू प्लांट ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन के टाइम में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू बनाना प्लांट डेवलप फ्रॉम, तो ये कहाँ से होता है, शक्कर से, ठीक है, तो शक्कर किस तरह से उगता है, दे ग्रो ऑब्लिकली अपवर्ड, ऊपर की ओर जाता है, ठीक है, प्रोड्यूसिंग रूट फ्रॉम अंडरग्राउंड नोड से, अंडरग्राउंड नोड से ये ऊपर ऑब्लिक माने ऊपर की ओर जाता है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा शक्कर, ये रट लीजिए, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से दिया हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है लीफ से, ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लीफ बिकम मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, मतलब लीफ कांटा में बन जाता है, कन्वर्ट कांटा बनकर ये प्रोटेक्शन में मदद करता है और ट्रांसपिरेशन को कम करता है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओपोंसिया। ओपोंसिया एंड एक और एग्जांपल हो जाएगा एस्पार्गस, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी प्लांट अमंग चाइना रोज ऑसिमम सनफ्लावर मस्टर्ड एलेस्टोनिया गुआवा कैलोट्रोपिस एंड नेरियम, ठीक है, हैव अपोजिट फाइलोटैक्सी। अपोजिट फाइलोटैक्सी कहने का मतलब है कि एक ही लाइन से दो लाइन निकले एकदम सेम पॉइंट से, ठीक है, इसको अपोजिट फाइलोटैक्सी बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ओसिमम गुआवा एंड कैलोट्रोपिस, तो तीन है फ्रेंड, तो इसका आंसर हो जाएगा थ्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फाइलोड, फाइलोड प्रेजेंट इन, एक था फाइलोक्लेड, ठीक है, और अब यहाँ पे है फाइलोड, कंफ्यूज मत होइएगा इसमें, ठीक है, तो फाइलोड प्रेजेंट इन ये डेजर्ट प्लांट में होता है, तो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ ऑस्ट्रेलियन अकासिया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉर्ल सिंपल लीफ विथ रेटिकुलेट वेनेशन आर प्रेजेंट इन, ऑप्शन देखते हैं कैलोट्रोपिस नीम चाइना रोज एलेस्टोनिया। रेटिकुलेट वेनेशन का मतलब हो गया कि चार पाँच या पाँच से ज़्यादा एक ही नोड से लीफ निकलता है, उसको बोलते हैं हॉर्ल फाइलोटॉक्सी, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एलेस्टोनिया, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट टॉपिक है इनफ्लोरेंसेस, इनफ्लोरेंसेस दो टाइप के होते हैं, रेसिमोस इनफ्लोरेंसेस एंड साइमोस इनफ्लोरेंसेस, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इनफ्लोरेंसेस इज रेसिमोस इन, मतलब रेसिमोस इनफ्लोरेंसेस किस में पाए जाते हैं, कौन से प्लांट में, ठीक है, तो रेसिमोस इनफ्लोरेंसेस को इनडिफरेंट इनफ्लोरेंसेस बोलते हैं, ठीक है, कहने का मतलब जो टर्मिनल बर्ड है वो फ्लावर्ट में कन्वर्ट नहीं होगा और साइमोस में टर्मिनल बर्ड है वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगा,
तो इसका एग्जांपल हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा सोयाबीन, ठीक है, जो फेबियसी फैमिली से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इन साइमस इन्फ्लोरेंसेस द मेन एक्सिस, अभी हम लोग पढ़े फ्रेंड की टर्मिनेट इनटू फ्लावर, मतलब जैसे देखिए ये हो गया मेन एक्सिस हो गया और ये फ्लावर में कन्वर्ट हो गया डायरेक्ट, तो इसको बोलेंगे साइमस इन्फ्लोरेंसेस। तो और इसका एग्जांपल हो जाएगा धतुरा हो जाएगा, सोलेनम हो जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमस इन्फ्लोरेंसेस, अभी हम लोग पढ़ें साइमस इन्फ्लोरेंसेस के एग्जांपल, तो सोलेनम हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग फिलामेंटस थ्रेड प्रोट्रूडिंग एट द एंड ऑफ यंग कोव ऑफ मेज आर, मतलब लॉन्ग फिलामेंटस थ्रेड लाइक निकला हुआ रहता है, प्रोट्रूडिंग मतलब बाहर निकला हुआ रहता है एट द एंड ऑफ यंग कोव ऑफ मेज, तो ये स्टाइल इसको बोलते हैं, ठीक है, जो स्टिग्मा की ओर एक्सपोज रहता है फॉर विंड पोलिनेशन, तो इसको हम इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा स्टाइल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेयर फाउंड इन इन्फ्लोरेंसेस ऑफ जी मेज आर द मॉडिफिकेशन ऑफ, ये किसका मॉडिफिकेशन, हेयर फाउंड इन्फ्लोरेंसेस में हेयर फाउंड होता है जी मेज का, तो ये मॉडिफिकेशन ऑफ स्टाइल है, सेम ये भी स्टिग्मा की ओर एक्सपोज रहेगा विंड पोलिनेशन के लिए, तो इसका भी आंसर हो जाएगा स्टाइल, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपेंथोडियम इज ए स्पेशलाइज टाइप ऑफ, मतलब स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंसेस है जो फीकस प्लांट में पाया जाता है, ठीक है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लावर से, ठीक है, तो रे फ्लोरेट्स हैव, मतलब रे फ्लोरेट्स के पास क्या रहता है, तो इन्फेरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी, हाइपोगैनस ओवरी, हाफ इन्फेरियर ओवरी, तो ये एपिगैनस फ्लावर में पाया जाता है और यहाँ पे इन्फीरियर ओवरी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इन्फीरियर ओवरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओवरी इज हाफ इन्फेरियर, मतलब हाफ इन्फेरियर ओवरी किस में पाया जाता है, ब्रिंजल, सनफ्लावर, मस्टर्ड, पॉम, ब्रिंजल मस्टर्ड में सुपीरियर ओवरी पाया जाता है और इन्फीरियर ओवरी सनफ्लावर में, तो हाफ इन्फीरियर हो जाएगा पाम में, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासेंटेशन इन विच ओव्यूल डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ ओवरी और इन पेरिफेरल पार्ट इज, मतलब इनर वॉल ऑफ ओवरी में कैसा प्लासेंटेशन पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पेराइटल प्लासेंटेशन। ये लाइन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है सभी प्लासेंटेशन के लिए, ठीक है, तो आप उसको देख लीजिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पेराइटल, जो 2019 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, मैचिंग है प्लासेंटेशन से, ठीक है, तो आइए हम लोग मैच करते हैं। तो बेसल का हम ट्रिक बताए थे, बेस में सन, ठीक है, तो बेसल में सनफ्लावर, ठीक है। एक्जियल इसका ट्रिक हम बताए थे CLT चैनल और लेमन टमाटो, ठीक है, तो ए का टू हो जाएगा। पेराइटल का हम परदेश में BA इसका ट्रिक बताए थे, ठीक है, पेराइटल परदेश में BA, तो इसका में मतलब परदेश में मस्टर्ड, परदेश में फ्री सेंट्रल का, फ्री सेंट्रल में टैंथस हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेम द टर्म पोलीएडेल्फस इज रिलेटेड टू, पोलीएडेल्फस किससे रिलेटेड, गैनोसियम, एंड्रोसियम, कोरोला एंड कैलिक्स, ठीक है। पोलीएडेल्फस में स्टैमेन ऑफ फ्लावर जो रहता है फ्यूज हो जाता है, ठीक है, बाय देयर फिलामेंट, मतलब फिलामेंट से फ्यूज हो जाता है स्टैमेन और एक ग्रुप बना देता है, ठीक है, तो स्टैमेन फ्यूज हो जाता है, तो स्टैमेन पाया कहाँ जाता है, तो एंड्रोसियम में पाया जाता है, तो पोलीएडेल्फस रिलेटेड टू एंड्रोसियम, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन द फ्लावर ऑफ, ठीक है, तो रेडियल सिमेट्री
पाया जाता है किसमें? ब्रैसिका में, ठीक है, और बाकी ट्राइफोलियम पाइसम एंड कैसिया में जैगोमॉर्फिक सिमेट्री होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रैसिका, ठीक है, जो 2016 में पूछा गया था नीट 2 में, ठीक है। फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन इन फाउंड इन, तो फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन किस में पाया जाता है? फ्री सेंट्रल का ट्रिक है फ्री सेंट्रल दुर्गा पूजा, तो डी फॉर दुर्गा पूजा, डी फॉर डायंथस, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए सॉरी ए डायंथस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेपल द स्टैंडर्ड पेटल ऑफ पेपिलियोसी कोरोला इज ऑल्सो कॉल्ड, तो ये वैक्सिलरी एस्टिमेशन में दिया हुआ है, इसका पैटर्न हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो आइए, जो इस तरह से ये दिया हुआ है, स्टैंडर्ड दिया हुआ, ठीक है, और बीच में जो है ये बिंग है, और जो अंदर इंटेरियर में है ये के है, कील है। तो स्टैंडर्ड को ही हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड या वैक्सिलम, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, वैक्सिलम या पी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एमंग चाइना रोज मस्टर्ड ब्रिंजल पोटैटो गुआवा ऑनियन टूलिप कुकुम्बर, तो इसमें से सुपीरियर ओवरी किसका है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि गुआवा और कुकुम्बर में जो है ना वो इन्फीरियर ओवरी होता है, ठीक है, गुआवा एंड कुकुम्बर में इन्फीरियर, और बाकी में हो जाएगा चाइना रोज मस्टर्ड ब्रिंजल पोटैटो टूलिप ऑनियन में सुपीरियर ओवरी, तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्स, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सियल प्लासेंटेशन इज प्रेजेंट इन, तो एक्सियल प्लासेंट्रिक था एक्सियल सीएलटी चाइना रोज लेमन टमेटो, ठीक है, तो लेमन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो आंसर डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, की लीजिए करैक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, तो अभी फिर अभी वेक्सिलरी का पैटर्न बनाए, तो चलिए फिर से बनाते हैं वेक्सिलरी एस्टिमेशन का, तो ये हो गया, ये बनाते हैं, ये हो गया स्टैंडर्ड या भी वेक्सिलम, और बीच में हो गया विंग, ठीक है, और एंटेरियर में हो गया कील या करीना, ठीक है। तो कील इज ए करैक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंडिगोफेरा, और एक एक्स्ट्रा एग्जांपल है सेस्बेनिया सोयाबीन, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, इसको याद कर लीजिए अच्छा से, जो 2015 में जो नीट AIPMT था तो जो कैंसिल हुआ था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हेन द मार्जिन ऑफ सेपल और पेटल ओवरलैप वन अदर विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन द कंडीशन इज कॉल्ड, तो हो जाएगा ये इम्ब्रिकेट एस्टिमेशन, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ये लाइन डायरेक्ट NCERT से आया हो फ्रेंड, ठीक है, इसको डायरेक्ट एकदम रट लीजिए, और भी एस्टिमेशन जो जो है वेलवेट ट्विस्टेड वैक्सिलरी सबका लाइन आप डायरेक्ट रट लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, चाइना रोज फ्लावर आर, चाइना रोज फ्लावर कैसा रहता है, ठीक है, तो चाइना रोज कैसा रहता है, एक्टिनोमॉर्फिक रहता है, एक्टिनोमॉर्फिक कहने का मतलब है इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल रेडियल हाफ इन एनी रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, तो इसको एक्टिनोमॉर्फिक बोलते हैं, ये लाइन डायरेक्ट NCERT में दिया है, इसको रट लीजिए, ठीक है। और कैसा रहता है, हाइपोगैनस रहता है, ठीक है, हाइपोगैनस में क्या होता है, गाइनोसियम जो है वो सबसे क्या ऑक्यूपाई करके रखता है, हाईएस्ट पोजिशन, और बाकी अदर पार्ट नीचे रहता है, इसको हाइपोगैनस फ्लावर बोलते हैं, ठीक है। और इसका एस्टिमेशन कैसा रहता है, ट्विस्टेड एस्टिमेशन, एक्टिनोमॉर्फिक हाइपोगैनस विद ट्विस्टेड एस्टिमेशन सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एमंग द फ्लावर कैलोट्रोपिस टूलिप सेस्पेनिया एस्पार्गस कॉल्चिकम स्वीट पी पेटोनिया इंडिगोफेरा मस्टर्ड सोयाबीन टबेको एंड ग्राउंडनट, हाउ मेनी हैव कोरोला विथ वेलवेट एस्टिमेशन, ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं, कैलोट्रोपिस टूलिप, ठीक है, एस्पार्गस कॉल्चिकम, उसके बाद हो जाएगा पेटोनिया
मस्टर्ड, पेटूनिया मस्टर्ड हो गया, टबैको भी हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये एक दो तीन चार पाँच छः सात, सातों जो है इसमें क्या है, वेलवेट इस्टिबेशन का, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासेंटेशन इन टमाटो एंड लेमन। तो इसका हम लोग बताए थे एक्साइल प्लासेंटेशन का ट्रिक, CLT चैनरोज लेमन टमाटो चैंपियन लीग T20, CLT टी से T20 मान लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सियल, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गाइनोसियम कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्री पिस्टिल इन द फ्लावर। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये NCERT में दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, माइकेलिया, ठीक। फ्री पिस्टिल हो जाएगा माइकेलिया में और फ्यूज पिस्टिल हो जाएगा पापाभर में, ठीक है, फ्यूज्ड पिस्टिल, ठीक है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी प्लांट हैव मार्जिनल प्लांटेशन, ठीक है। तो मार्जिनल प्लासेंटेशन किसमें किसमें हो जाएगा, तो आइए देखते हैं। तो मार्जिनल का तो पी होता है क्राम, अरहर, सनहेम, ठीक है, मूंग, टूलिप, ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 6 है मार्जिनल प्लांट प्लासेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, फ्लावर आर जाइगोमॉर्फिक इन मस्टर्ड, गुलमोहर, टोमेटो, धतूरा। तो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर किस में होता है, तो इसमें क्या होता है ना कि बायलेटरल सिमेट्री होता है जाइगोमॉर्फिक में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुलमोहर, और बाकी धतूरा, मस्टर्ड एंड टोमेटो का एक्टिनोमॉर्फिक है, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, गुलमोहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओवरी इज हाफ इन्फेरियर इन फ्लावर ऑफ। तो हाफ इन्फेरियर फ्लावर कौन कौन है, प्लम, ये सॉरी पिच, कॉटन, कुकुम्बर, गुआवा। तो इसमें हम लोग NCERT में दिया हुआ हाफ इन्फेरियर का एग्जांपल दिया हुआ, आप लोग जरूर देख लीजिएगा, प्लम, पिच, रोज, ठीक है, हाफ इन्फेरियर का। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका पिच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासेंटेशन इन डायंथस, मतलब डायंथस में कौन सा प्लासेंटेशन होगा, ठीक है। तो फिगर में हम लोग को पता करना है एक्साइल होगा, पेराइटल होगा, प्री सेंट्रल, बेसल, क्या है। तो डायंथस में था प्री सेंट्रल दुर्गा पूजा, डी फॉर डायंथस, ठीक है, पी फॉर प्राइमरोज। तो देखिए इसमें इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, देखिए ये बीच में फ्री है इसका, है ना, तो ये फ्री सेंट्रल हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन यूनिलोकुलर ओवरी विथ सिंगल ओव्यूल, ये NCERT का लाइन है और ये बेसल हो, बेसल प्लासेंटेशन, ठीक है, इसमें सोचना ही नहीं है, NCERT का लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड की लीजिए क्रेसिस्टिक फ्लावर ऑफ, देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, इससे पहले उसमें एक आंसर था इंडिगोफेरा और इसमें हो जाएगा बीन हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। तो वेक्सिलरी इस्टिबेशन का एक ट्रिक था, जो ट्रिक वाले वीडियो से आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उसका वेक्सिलरी का वेक्सिलरी उसका एग्जांपल था पी, बीन, इंडिगोफेरा एंड ग्राम था, या ग्राउंड नट भी हो सकता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बीन, ठीक है। ओवरी इज हाफ इन्फेरियर इन द फ्लावर, ठीक है। तो हाफ इन्फेरियर का भी सेम देखिए फिर रिपीट हुआ क्वेश्चन, इससे पहले एग्जांपल था एक आंसर में था पिच, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हाफ इन्फेरियर का एग्जांपल, NCERT में डायरेक्ट दिया प्लम, पिच, रोज, इसको PPR भी रट सकते हैं, ठीक है, PPR, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पी, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेक्निकल टर्म यूज फॉर द एंड्रोशियम इन ए फ्लावर ऑफ चाइना रोज, टेक्निकल टर्म में क्या यूज किया जाता है चाइना रोज फ्लावर में। तो
यूज किया जाता है मोनोडेल्फस। मोनोडेल्फस खाने का मतलब है कि फिलामेंट जो रहता है स्टेमेन का जो फिलामेंट रहता है वो एक बन जाता है, यूनाइट हो जाता है इन ए ग्रुप, ठीक है, उसी को बोलते हैं मोनोडेल्फस। और ये चाइना रोज मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे एस्टिवेशन ऑफ पेटल फ्लावर कॉटन में कौन सा एस्टिवेशन होता है। तो ये ट्रिक वाले आप चैनल से इसको भी आप आराम से पढ़ सकते हैं, हम बताए थे ट्विस्टेड सीएलसी, ठीक है। तो सी फॉर चाइना रोज, एल फॉर लेडी फिंगर, सी फॉर कॉटन, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, 2010 में पूछा गया था। एग्जाइल प्लासेंटेशन सेम रिपीट हो रहा है क्वेश्चन फ्रेंड, देखिए हर एकदम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एकदम रट के एकदम गारंटी एकदम आना ही आना है, ठीक है। एनसीईआरटी और प्रीवियस क्वेश्चन इससे ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। तो एक्सियल का प्लासेंटेशन का क्या हो जाएगा, एक्सियल का बताए थे सीएलटी, ठीक है, चैंपियन लीग T20 चैनल लेमन टमेटो, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लेमन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे रेप्लम इज प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ, रेप्लम किसके ओवरी में पाया जाता है, कौन से फ्लावर के ओवरी में, तो रेप्लम क्या है, रेप्लम इज ए फॉल सेप्टम, ठीक है, रेप्लम एक फॉल सेप्टम है, फॉल मतलब जब पेराइटल प्लासेंटेशन जब बढ़ता है ना तो फॉल सेप्टम बन जाता है, ठीक है, तो उसी को रेप्लम बोलते हैं। और ये किस में पाया जाता है, तो पेराइटल प्लासेंटेशन का है, तो पेराइटल का आप ट्रिक पता है, तो आप ट्रिक से आप देख लीजिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मस्टर्ड, ठीक है, आराम से रट सकते हैं इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजियोस्पर्म टू विच द लार्जेस्ट फ्लावर बिलोंग टू, तो एंजियोस्पर्म में लार्जेस्ट फ्लावर क्या है, तो हम लोग को ये पता है, तो लार्जेस्ट फ्लावर हो जाएगा रेफलेसिया, ठीक है, लार्जेस्ट फ्लावर क्या है, रेफलेसिया क्या है, ये स्पेशल टाइप ऑफ रूट टोटल रूट पैरासाइट हो जाएगा, ठीक है, ये क्या है, टोटल रूट पैरासाइट, ठीक है। जो रेफलेसिया जो होता है ये पोलिनेशन किससे, बाय एलिफेंट से होता है, ठीक है, और ये बिगेस्ट फ्लावर है रेफलेसिया। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, अगर जो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।